दयान खबरदार जो तुमने मुझे शूट किया तो मैं वार्न कर रही हूँ तुम्हें, देखो छुप कर बुजलवार करते हैं। कम ऑन मैन, छुप के कौन वार कर रहा है? ये देखो, ये सामने से वार करो और मार लिया तुम्हें। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बहन पे फायरिंग करते हुए? अच्छा मुझे शर्म आ जाए, और ये जो बहन इतनी देर से मुझे मारने की कोशिश करी है वो कुछ भी नहीं। अच्छा पता तुम लड़कियों का यही मसला है, हारने लगती हो तो फिर या तो रोगी या फिर दुआइयां देने लगोगी। हाँ और तुम लड़के भी कितने सेल्फिश होते हो, कल से आए हुए हो लेकिन ये नहीं हुआ कि बहन को अच्छे से डिनर पे ले जाओ, बस अपने दोस्तों में घुसे हुए हो। अब तो नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। और हमने तो करीबी दोस्तों को इनविटेशन भी दे दिया है। वाकई अम्मा ये तो बहुत अच्छा हो गया, मैं अपनी दोस्तों को बताती हूँ, उन लोगों को तो वैसे ही बहाना चाहिए होता है हमारे घर आने का। बता के आ रही हूँ। शकीला ने मुस्तजाब का रिश्ता मांगा है दुआ के लिए। दुआ का रिश्ता? हाँ तो इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है बेटा? नहीं लेकिन मुस्तजाब तो अमेरिका में रहता है ना। अरे भाई मेरा और सजाद का ख्याल है कि जहां लड़की का नसीब लिखा होता है ना उसे वहां खींच के ले जाता है, और असल मकसद तो ये है कि दुआ खुश रहे, फिर वो पाकिस्तान में रहे या अमेरिका में, हमें तो उसकी खुशी चाहिए। अभी देखो ना, 4 साल पहले तक मुस्तजाब ऐसा नौ उम्र खलंदा सा लड़का था, पढ़ाई तक कंप्लीट नहीं हुई थी उसकी, सोहेल भाई चल बसे। हाय बेचारी शकीला, वो बेचारी तो गुमसुम हो गई थी, और मुस्तजाब तो पढ़ रहा था, उस पर क्यामत टूट पड़ी। लेकिन भाई माशाल्लाह मुस्तजाब ने खुद को संभाला, शकीला को संभाला, बिजनेस को संभाला, और आज अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है। साबित कर दिया मुस्तजाब ने, हीरे की असल परख तभी होती है जब उस पर बोझ पड़ता है। देखो जब वो अपनी माँ को लेकर इतना केयरिंग है तो बाकी रिश्तों के लिए कितना केयरिंग होगा। सजाद भी यही कह रहे थे, बहुत इम्प्रेस हुए हैं वो। जानने वाले हैं, अच्छा खानदान है, कराबतदारी है, स्टेबल है, ऐसे रिश्ते तो किस्मत से मिलते हैं ना। आप लोगों ने दुआ से पूछा? नहीं, सबसे पहले तुमसे ही बात की है दाई। नहीं, सबसे पहले दुआ से पूछी है, वो क्या चाहती है ये ज्यादा जरूरी है, फिर उसका जो भी फैसला होगा मुझे काबिले को बोला। बस वो हमेशा के लिए इतना दूर चली जाएगी, ख्याल काफी तकलीफ दे है।